हेलो गाइस, मैं हूँ आरपी यादव और आज अपन बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन की। तो देखिए, एनिमल हस्बेंड्री में अपन बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जिसमें अपन ने बात की थी एनिमल ब्रीडिंग की। उसके बाद में जो सेकंड वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी एनिमल न्यूट्रिशन की, सॉरी एनिमल हाउसिंग की। और आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है एनिमल न्यूट्रिशन। अब देखिए, अपन बात करेंगे आज इस वीडियो में कि एनिमल्स जो है उनको क्या फीड करवाएं ताकि आपका जो प्रोडक्शन है लाइव स्टॉक का उसको जो है मैक्सिमम किया जा सके। तो एनिमल न्यूट्रिशन की इसमें अपन बात करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और किस फॉर्म वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपन आपका जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उसको अवेलेबल करवाए। साथ ही अपन बात करेंगे जो एनिमल फीड होता है वो उसका नेचर क्या होता है और उसके कितने प्रकार से उसके टाइप्स होते हैं, और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चन के बारे में भी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनिमल न्यूट्रिशन। अब देखिए, यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है वो अपन न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। तो एनीथिंग जो ड्रिंक करने पे या फिर उसको ईट करने पे जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रिशन। तो इसी आधार पे अपन बात करेंगे कि न्यूट्रिशन है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें, एनिमल जो फीड होता है वो जनरली थ्री टाइप्स का होता है, जिसमें अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहला है वो है कंसंट्रेट। ठीक है, कंसंट्रेट की अगर अपन बात करें तो उसमें जो आपका कंसंट्रेट होता है उसमें क्या होता है, इसमें अपन देखते हैं कि एनर्जी होती है वो कैसी होती है, हाई एनर्जी। यानी कि ऐसे फूड या ऐसे फीड जो आप जो एनिमल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो हाई एनर्जी अवेलेज होती है इसकी। इसमें फैट भी इंक्लूड होता है, सीरियल ग्रेन्स जो है वो है, और उनके प्रोडक्ट्स जैसे कि बार्ले, कॉर्न्स, ऑट, राई और वीट है, उनके बायो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अपन एनिमल फीड के लिए यूज़ लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन कंसंट्रेट। इसके अलावा बात करें, इसमें हाई प्रोटीन ऑयल होता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो इसी कंसंट्रेट के माध्यम से या इसी के द्वारा है अपन एनिमल को अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, जिसमें अपन बात करें, ऑयल केक्स हैं आपके, सोयाबीन की है, कैनोला है, कॉटन सीड है, पीनट है यानी ग्राउंड नट, और इनके जो बायो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बायो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अपन बात करें, सुगर बीट के बायो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सुगर केन जिसमें मोलासेस वगैरह होता है। ठीक है, एनिमल बायो प्रोडक्ट हो सकते हैं, जो बोन मील होती है उसका बायो प्रोडक्ट हो सकता है, जो मीट मील होती है उसका बायो प्रोडक्ट हो सकता है, इसी प्रकार फिश जो होती है उसके बायो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बेसिकली अपन बात करें तो कंसंट्रेट ऐसा फूड होगा जो कैसे होगा, नेचर में कैसे होगा, कंसंट्रेट होगा, उसका नेचर बल्कि नहीं होगा एज कंपेयर टू रफीज। और उसमें जो क्वांटिटी है उसकी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, एनिमल के न्यूट्रिशन होंगे, एनर्जी होगी, उसमें फैट वगैरह होंगे, ऑयल वगैरह होंगे। सेकेंड है रफेज। रफेज की बात करें तो इसमें फाइबर कंटेंट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसमें न्यूट्रिएंट एज कंपेयर टू कंसंट्रेट क्या होंगे, कम होंगे। अब इसमें देखते हैं अपन, इसमें पाश्चर ग्रास है, साइलेज है, रूट क्रॉप्स हैं, स्ट्रा है, ठीक है, और स्टोवर है जिसमें क्या होता है, कॉर्न स्टॉक जिसको बोलते हैं अपन, कॉर्न स्टॉक जो होती है वो। तो ये सारे प्रोडक्ट जिसमें न्यूट्रिएंट एज कंपेयर टू कंसंट्रेट कम होते हैं, लेकिन इनकी नेचर कैसा होता है, बल्की होता है। जिसमें अपन ने एग्जाम्पल्स की बात की तो आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कंसंट्रेट अदरवाइज रफेज। तो आपको ये एग्जाम्पल जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कि ये आपके जो इसमें फैट है, सीरियल ग्रेन्स हैं, तो ग्रेन्स किस में आता है, आपका हे किस में आता है, साइलेज किस में आता है, इस प्रकार के आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद करना है कि जो आपके रफेज है उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, और आपका जो कंसंट्रेट है उसके एग्जाम्पल कौन से हैं। थर्ड की अपन बात करें वो होते हैं और फीड सप्लीमेंट एंड फीड एडिटिव्स, यानी कि ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, इसके साथ साथ क्या कराते हैं, जो रफेज वगैरह है या जो कंसंट्रेट है इनकी जो यूटिलाइजेशन है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है जिसमें जो फीड है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है वो बढ़ा देते हैं, उसको जो है उसका जो टेस्ट जो होता है उसको क्या करते हैं, ये अच्छा कर देते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आगे डिटेल में, जिसमें सबसे पहला है अपना कंसंट्रेट। अब देखिए, कंसंट्रेट में जो क्या आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार भी पूछा जाता है कि इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं उसको अलग अलग क्लासिफाई करने के। तो जिसमें अपन देखें, कंसंट्रेट है इसमें क्या होता है, लेस देन 18%
क्रूड फाइबर। अच्छा, दो चीजें आपको याद रखनी है, एक है डीसीपी और एक है टी डीएन। ये दो चीजें होती है, ठीक है। यह है टीडीएन और यह है डीसीपी। आगे अपन लेक्चर में देखेंगे तो इसमें काफी बार ये वर्ड यूज होगा। तो सबसे पहले अपन क्लियर कर ले कि टीडीएन है, उसका फुल फॉर्म होता है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। इसी प्रकार अपन बात करें डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, तो इसमें अपन बात कर रहे हैं कि जो क्रूड फाइबर होता है, क्रूड जो फाइबर होता है वो कितना होता है, 18% से कम होता है। और इसमें अगर अपन बात करें टीडीएन की, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें, तो वो कितना होता है, 60% से ज़्यादा होता है। तो यही मेजर एक क्राइटेरिया है, एक अपन बोल सकते हैं कि इसी से अपन क्या कर सकते हैं, रफेज और आपका जो कंसंट्रेट है उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 18% से कम है, इसमें क्या है आपके क्रूड फाइबर है, और 60% से ज़्यादा क्या है इसमें, टीडीएन है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कंसंट्रेट बोलते हैं। अब देखते हैं कंसंट्रेट है वो क्या होते हैं, लेस बल्की होते हैं, हायर क्या होती है इनकी, डाइजेस्टिबिलिटी होती है, यानी कि एज कंपेयर टू रफेज ये कैसे होते हैं, बल्की नेचर के नहीं होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, और इनकी डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। दे आर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ न्यूट्रेंट्स, ठीक है, कंसंट्रेटेड सोर्स होते हैं, और वो कैसे होते हैं आपके, रफेज कैसे होते हैं, बल्कि होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दे हैव हायर न्यूट्रेटिव वैल्यू देन रफेज, यानी न्यूट्रेंट कैसे होते हैं इनमें, अपन पर केजी के हिसाब से देखें तो एज कंपेयर टू रफेज क्या होते हैं, इसमें हाई न्यूट्रेंट वैल्यू होती है। जिसमें अपन देख सकते हैं कि इसमें अपन देखें तो ग्रेन्स वगैरह हो सकते हैं, ऑयल केक्स वगैरह हो सकती है, प्रोटीन के सोर्स हो सकते हैं, बायो प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो ये सारे किसमें आते हैं आपके, कंसंट्रेट में। अब अपन बात करें कंसंट्रेट है उसको दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट है एनर्जी रिच कंसंट्रेट। प्रीपीजी में क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेट इज ए एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी रिच कंसंट्रेट। अब देखना है यहां से, तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि एनर्जी रिच है, इससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और दूसरा है प्रोटीन रिच, उसमें क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी। ओवरऑल दोनों से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, लेकिन इसमें हाई एनर्जी मिल रही है और इसमें क्या हो रहा है कि प्रोटीन इसको अवेलेबल हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें तो एनर्जी रिच है उसमें सीरियल के ग्रेन्स हो सकते हैं, इसी प्रकार सीरियल ग्रेन्स जो है उनके बायो प्रोडक्ट हो सकते हैं, रूट्स और ट्यूबर्स प्लांट की हो सकती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एनर्जी रिच कंसंट्रेट। तो ये वाले एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये एनर्जी रिच है। और प्रोटीन रिच की अपन बात करें, जिसमें अपन बात करेंगे प्रोटीन रिच, तो वो भी फर्दर दो क्लासों में क्लासिफाई है, जिसमें अपन बात करेंगे प्लांट ओरिजन, यानी दोनों में क्या है, प्रोटीन है, लेकिन जो प्रोटीन है वो कैसी है, यहाँ प्लांट ओरिजन है और यहाँ पे एनिमल ओरिजन। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन जो आपके आया था वो आया था ये, ठीक है। अब देखिए ये जो कैसा कंसंट्रेट है, इसमें बात करें अपन प्रोटीन रिच है, प्लांट काइंड की बात करें तो प्लांट काइंड का कौन सा है, ऑयल सीड है, ऑयल केक्स जो होती है, पल्स सोडिंग है, ब्रेवर्स और ग्रेन ईस्ट जो होते हैं, तो वो किस में आते हैं आपके, प्रोटीन प्लांट ओरिजन की प्रोटीन आ रही है। इसी प्रकार बात करें अपन एनिमल ओरिजन के होते हैं, उसमें अपन बात करें फिश मील जो है, ठीक है, मछली जो होती है उसकी मील से जो बायो प्रोडक्ट निकलते हैं, मीट जो है, या फिर ब्लड जो है, मील से जो ब्लड प्राप्त होता है सूखा, उसको अपन एनिमल को फीड करवाने के लिए यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, प्रोटीन रिच हैं और एनिमल काइंड के है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद करने होंगे, इसका कोई याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको एक एक याद ही करने पड़ेंगे कि ये एनिमल काइंड का है, ये प्लांट काइंड का है, दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है या प्रोटीन का सोर्स अवेलेबल करवा रहा है। इसी प्रकार अपन बात करेंगे रफेज की डिटेल में, तो रफेज में अपन कंसंट्रेट में क्या था, 18% से कम था, और यहाँ पे अपन बात करेंगे मोर देन 18% क्रूड फाइबर, इसमें 18% से ज़्यादा क्रूड फाइबर होता है, और जो टीडीएन है वो 60% से क्या होता है, कम होता है, 60% से क्या होता है, कम। तो ये एक मेजर इसका हुआ। अब इसमें बात करें ड्यू टू हायर क्रूड फाइबर कंटेंट, इसमें एक फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, बल्की होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, बल्की होते हैं, जबकि बात करें अपन कंसंट्रेट की तो वह कैसे होते हैं आपके, कंसंट्रेट होते हैं। तो ये दे रखा है कि बल्की होते हैं, दे हैव लो डाइजेस्टिबिलिटी, फाइबर क्या होता है कि डाइजेस्टिबिलिटी जो है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और कंसंट्रेट की तुलना में ये क्या होते हैं, कम न्यूट्रिटिव होते हैं पर क्वांटिटी। अब अपन आगे बात करेंगे
जिसमें अपन देखेंगे कि इस प्रकार जो आपका जो बल्कि नेचर आप देख सकते हैं आपके रफेज का, ठीक है। अब बात करेंगे अपन कि जो कंसेंट रफेज जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं जनरली। इसमें अपन बात करें मेंटेनेंस टाइप के। अब मेंटेनेंस टाइप के एग्जांपल कौन से हैं? अब देखिए मेंटेनेंस टाइप के लिए या अपन यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस टाइप के और प्रोडक्टिव टाइप के, तो ये इनकी जो डीसीपी होती है टोटल डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। तो ये अपन बात करें मेंटेनेंस टाइप, तो मेंटेनेंस क्या होते हैं? मेंटेनेंस कंटेनिंग 3 to 5% क्या है डीसीपी, तो 3 से 5% के बीच में जो डीसीपी होती है वो कैसे होते हैं मेंटेनेंस पर्पज के लिए। अपन एनिमल को जो फीड करवाते हैं तो उसमें अपन चीजें देखते हैं कि आपका एनिमल जो है उसकी बॉडी के लिए रिक्वायर है या वो प्रोडक्शन अपन उससे ले रहे हैं। तो उसी प्रकार मेंटेनेंस के लिए फूड जो अपन अवेलेबल करवाते हैं रफेज, तो उसमें अपन क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन मेज है, ओट है, तो ये क्या है, इसमें आपको डीसीपी कंटेंट भी पूछा जाता है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि मेज में या फिर आपके जो ओट है उसमें डीसीपी कंटेंट कितना होता है, तो वो आप 3 to 5। इसी प्रकार नॉन मेंटेनेंस टाइप है जिसमें अपन बात करें कंटेनिंग लेस देन 3% डीसीपी, इसमें क्या होता है 3% से कम डीसीपी होता है और इसका एग्जांपल है स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद में बात करें यहाँ पे प्रोडक्टिव टाइप। प्रोडक्टिव यानी प्रोडक्शन के लिए जो अपन देते हैं, जो मिल्किंग कर रहे हैं, मिल्किंग एनिमल्स को दे रहे हैं फीड करने के लिए, या फिर जिनसे मीट अपन ले रहे हैं उनको अपन फीड करवा रहे हैं, इसमें बात करें मोर देन 5% डीसीपी। तो 5% की अपन बात करें तो बरसीम जो होती है, बरसीम और लूसन जो होता है दोनों ही लेगुमिनस जो है प्लांट है, इसमें क्या होता है 5% से ज़्यादा क्या होता है क्रूड फाइबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें डीसीपी का फुल फॉर्म जो है डाइजेस्टिबल प्रोटीन या फाइबर अपन बोल सकते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें रफेज की, तो उनका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसके आधार पे भी उसको क्लासिफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट है ग्रीन आपका रफेज या सुकुलेंट जिसको बोलते हैं। इसमें अगर अपन बात करें तो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्राई। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे दे कंटेन अबाउट 60 to 90% क्या है इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। इसके अपन बात करें एग्जाम्पल के पास्चर्स हो सकते हैं, कल्टिवेटेड फोडर्स हो सकते हैं जिसमें अपन बाजरा है जवार वगैरह करते हैं, ट्रीज की लीव्स हो सकती है जो जनरली अपन फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स में पड़ रहे थे, रूट क्रॉप्स हो सकती है, ठीक है, साइलेज हो सकती है। और अपन बात करें ग्रीन फोडर जो होता है उसमें जो डीसीपी और टीडीएन होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्रीन फोडर में 2 से 3% क्या होता है डीसीपी होता है और 10% के अप्रोक्स क्या होता है टीडीएन, ठीक है। आगे अपन बात करें तो ये ग्रीन जो ग्रीन रफेज होते हैं या सुकुलेंट होते हैं इसको भी आगे अलग दो क्लासों में क्लासिफाई किया गया है। एक है आपका लेग्यूमिनस प्लांट से प्राप्त रफेज, दूसरा है नॉन लेग्यूमिनस से प्राप्त। लेग्यूम की बात करें तो लेग्यूम का एग्जाम्पल है काउपी, गुवार और बरसिंग। इसी प्रकार नॉन लेग्यूम्स की बात करें तो नॉन लेग्यूम में बात करें जवार है, बाजरा है और रूट क्रॉप्स है। रूट क्रॉप्स में जनरली क्या होता है हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, जिसमें लगभग 75 to 92% क्या होता है मॉइस्चर होता है और 5 to 11% क्या होता है फाइबर कंटेंट होता है। तो ये सारे अपन क्या पढ़ रहे हैं रफेज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन रफेज पढ़े, टाइप पढ़े, उसके बाद में अपन जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है उसके आधार पर पढ़ा, उसके बाद में अपन ने बात की कि वो लेग्यूम है या नॉन लेग्यूम है। तो ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में एज इट इज जो है वो पूछे जाते हैं। आगे अपन बात करें जिसमें ड्राई रफेज की बात करें, ड्राई रफेज में क्या होता है 10 to 15% क्या होता है मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसके अलावा क्या होता है उसमें ड्राई मैटर होता है, ठीक है, जिसमें अपन बात करें स्ट्रा हो गया आपका और हे हो गया। तो ये अपन ने बेसिकली बात की आपका जो रफेज होता है उसके क्लासों की, और इसी प्रकार जो कंसंट्रेट है उसके क्लासों की अपन ने बात की। थर्ड जो पॉइंट था अपना वो था फीड सप्लीमेंट। अब देखते हैं फीड सप्लीमेंट क्या होता है। तो देखिए फीड सप्लीमेंट आर कंपाउंड यूज टू इंप्रूव, यानी अपन क्या कर रहे हैं उसकी कोई क्वालिटी जो है उसको या न्यूट्रिएंट को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं उसका जो रफेज में अवेलेबल है उसी को क्या करा रहे हैं अपन अवेलेबल करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि अपन फीड सप्लीमेंट अगर अपन साथ प्रोवाइड करवाते हैं तो उनका प्रॉपर है क्या हो जाएगा यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है उसकी इंक्रीज कर रहे हैं, जिसको जो फीड है उसको इजीली क्या है वो आपका एनिमल है वो फीड कर सके, ठीक है। कॉमनली यूज्ड फीड सप्लीमेंट्स आर,
यानी अपन क्या क्या अपन यूज़ कर सकते हैं फीड सप्लीमेंट के लिए। तो इसमें विटामिन सप्लीमेंट अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो एनिमल्स हो या ह्यूमन बॉडी हो उसमें वेरियस काइंड जो एंजाइम होते हैं उनके एक्टिवेशन के लिए एंजाइम्स सॉरी विटामिन्स की आवश्यकता होती है। तो वो अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो आपका जो एनिमल है वो कैसा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो यहाँ पे विटामिन सप्लीमेंट्स की बात करें जिसमें ये कुछ एग्जांपल है, जिसमें रोवी मिक्स है, विटा ब्लेंड है, एरोविट है। इसी प्रकार बात करें मिनरल्स, देखिए मिनरल्स और जो आपका विटामिन्स होते हैं ये किसी प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ये जो आपकी बॉडी होती है या एनिमल की जो बॉडी होती है उसमें जो डिजीज होते हैं तो उन डिजीज प्रिवेंटिंग जो कंपाउंड होते हैं उसको क्या करते हैं, ये रोकते हैं। तो इसमें अपन ने मिनरल्स की बात करी जिसमें मिनी मिक्स है, मिल्क मिन है, न्यूट्री मिल्क है, एरोमीन है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपके मिनरल्स सप्लीमेंट के रूप में काम लिए जाते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें फूड एडिटिव्स की, तो फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, देखिए फूड एडिटिव्स आर नॉन न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस, यानी ये कैसे होते हैं, नॉन न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस होते हैं, यूजुअली एडेड बेसल फीड इन स्मॉल क्वांटिटी। इनकी कैसे अपन डालेंगे, जो अपन चारा डाल रहे हैं उस पर कुछ मात्रा में अपन क्या डाल देते हैं, एडिटिव डाल देते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो चारा अपन डाल रहे हैं या जो भी फीड अपन डाल रहे हैं उसकी अगर बैड स्मेल है तो आपका एनिमल है वो उस फीड को फीडिंग नहीं करेगा। तो उस केस में क्या करते हैं अपन कि उसको फूड एडिटिव जो है वो डाल देते हैं तो वो उसको जनरली इजीली खा लेता है। जैसे कि अपन बात करें गांव में जनरली देखते हैं चारा जो डालते हैं तो उस पर अगर अपन कंसंट्रेट या जो बाट जिसको बोलते हैं अपन वो नहीं डालते हैं, बाटा जिसको बोलते हैं वो नहीं डालते हैं तो आपका एनिमल उसको फीड नहीं करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा अपन मात्रा में जो है आपका वीट का जो फ्लोर होता है उसको अपन डाल देते हैं, ठीक है, या फिर अपन कोई और चीज़ मिक्स कर देते हैं, ग्रीन फोडर मिक्स कर देते हैं तो वो क्या होता है उसको आराम से खा लेता है। तो ये इसी का काम करते हैं फीड एडिटिव्स, ठीक है। अब देखिए इसमें बात करें अपन इसका जो फीड का एफिशिएंसी है, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको खा सके और उसकी जो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस है एनिमल की वो इंक्रीज हो सके। अब देखिए सम कॉमनली यूज्ड जो फीड सप्लीमेंट्स होते हैं इनके एग्जांपल है लगभग 10 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स है, एंटी फंगल है, एंटी जो ब्लॉट होता है, जो आफरा होता है तो उसको रोकने के लिए ताकि गैस कम से कम बने, तो ये कुछ हैं जिसको अपन देख लेते हैं जनरली। जिसमें अपन बात करें एंटीबायोटिक्स है, एंजाइम्स है, कुछ हार्मोन हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हो सकती हैं, प्रोटोबायोटिक्स हो सकती है, बायोस्टिमुलेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो लगभग ये 10 टाइप के हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है, मोल्ड इनहिबिटर जो पेट जो है उसमें मोल्ड जंगली जो फंगस है उसकी ग्रोथ ना हो, पेलेट बाइंडर है, ठीक है, और कॉक्सीडियोटेंस है जो कॉक्सीडियोसिस होता है उसको रोकने के लिए। अब अपन बात करेंगे कि ये अपन ने जनरली क्या पढ़े कि आपका रफेज क्या होता है, कंसनट्रेट क्या होता है, फीड सप्लीमेंट क्या होते हैं, फीड एडिटिव्स क्या होते हैं। अब अपन बात करेंगे जो प्रिजर्व जो फोडर होता है, फ्रीजर फोडर होता है या फीड मटेरियल होता है उसका अगर अपन जनरली बात करें तो दो पॉपुलर नाम आपको सुनाई देंगे, एक होता है हे, दूसरा होता है साइलेज। इसमें से जो क्वेश्चन आता है उसके लिए अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे हे की। देखिए हे क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा ड्राई प्रोडक्ट होता है जिसमें लगभग 15% के लगभग क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होता है, ड्राई मटेरियल उसमें होता है। तो ये जनरली अपन किसका बनाते हैं, जो आपका ओट है, बरसीम है, इसका अपन जनरली है प्रिपेयर करते हैं। अब जो अपन बात करेंगे कि हे बनाते कैसे हैं, किस स्टेज पे अपन जो आपका क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करें, तो इसको अपन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि हे कैसे बनाई जाती है, तो हे प्रिपेयर्ड बाई ड्राइंग ग्रासेस और लेग्यूम्स, ठीक है, जिसमें अपन ने बात की ओट हो सकता है या क्या हो सकता है, बरसीम हो सकता है। तो इसको अपन ड्राई करके कैसे क्या बना सकते हैं, आपका हे बना सकते हैं, जिसमें क्या होगा, कब बनाते हैं, जब प्लांट मैक्सिमम ग्रोथ है वो कर लेता है और सीड डेवलप उसमें नहीं हुआ होता है तब अपन प्लांट को चूज करते हैं। यानी कि अपन ऐसे स्टेज में अपन उस प्लांट को कट करेंगे कि उसकी जो ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो मैक्सिमम हो चुकी है लेकिन उसमें अभी सीड जो है वो डेवलप नहीं हुआ है, उस स्टेज में क्या करेंगे अपन क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेंगे और उसके बाद में उसको सुखा देंगे, ठीक है, दे रखा ना ड्राइंग, उसको सुखा देंगे और उसको तब तक सुखाएंगे जब तक उसमें 15% के लगभग क्या हो, मॉइस्चर कंटेंट रहे, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसमें जो
15% से कम मॉइस्चर रहता है, तो उसको आप स्टोर जो करेंगे तो उसमें जो आपका मोल्डिंग है ठीक है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, हीटिंग है और स्पॉयलेज है उससे आपको राहत प्रदान होगी। तो अपन क्या करते हैं, जो क्रॉप होती है उसको एप्रोप्रिएट स्टेज होती है उसकी लाइफ की, उस पर क्या कर लेते हैं, कट कर देते हैं, उसके बाद में उसको सुखा लेंगे ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या होता है, होता है जिसमें जनरली क्या होता है 15% के लगभग क्या होता है मॉइस्चर कंटेंट होता है, यही इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन लूसन, बेसिकली अपन बात करें तो हे बनाई जाती है, सबसे अच्छी जो है वो बरसिम की और ओट की बनाई जाती है ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं लूसन है तो उसमें लगभग 14-15% क्या होता है डीसीपी होता है और लगभग 50% क्या होता है टीडीएन होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रिजर्व फीड स्टफ है वो है आपका साइलेज, और साइलेज में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो साइलेज क्या होता है, सबसे पहले तो अपन बात करें तो साइलेज क्या है, एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। फर्मेंटेशन की अगर अपन बात करें डिटेल में तो फर्मेंटेशन जो होता है वो तीन टाइप्स का होता है, जिसमें अपन बात करें एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें अगर अपन बात करें साइलेज में तो एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो यूज़ लिया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे साइलेज इज मेड बाई पैकिंग इमेच्योर प्लांट, जब प्लांट ग्रीन कंडीशन में होता है इमेच्योर होता है तो उसको एक एयर टाइट या पैक्ड स्ट्रक्चर में अपन रखते हैं और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइलो, क्या बोलते हैं उसको साइलो बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन जो पैकिंग कर रहे हैं उसकी अपन कंडीशन क्या है, इमेच्योर प्लांट अपन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन बनता है आपका कि आपका हे के लिए अपन जो प्लांट ले रहे हैं वो कौन सी अवस्था में लेते हैं और साइलेज के लिए जो प्लांट ले रहे हैं वो कौन सी अवस्था में लेते हैं। अब क्या करते हैं, एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर जिसको क्या बोलते हैं अपन साइलो बोलते हैं, अलाउिंग फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है फर्मेंटेशन के लिए इसको छोड़ देते हैं और ये जो है क्या बनता है इसमें एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड, फर्मेंटेशन जो होता है उसमें लैक्टोबेसिलस जो बैक्टीरिया है या एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है। अब इसमें अगर मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50-70% और अप्रोप्रिएट अपन देखें तो 65% के लगभग इसमें क्या होती है मॉइस्चर कंटेंट होती है। और ये जो प्रोडक्ट फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो तैयार होता है इसमें जो प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, इसमें जो आपके जो प्रोडक्ट बने हैं एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, तो ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं ठीक है। अब अपन बात करें इसमें जो फर्मेंटेशन होगा तो क्या बन रहा है, एसिडिक बन रहा है, एसिड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है इसका पीएच, और लगभग सभी एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि एक आइडियल जो साइलेज होती है उसका पीएच कितना होना चाहिए, तो वो जो वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू आपको ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करना है, 3.724.2, दो या तीन बार ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है एग्जाम्स में, जिसमें राइट आंसर जो माना गया 3.724.2 क्या होता है इसका पीएच होता है ठीक है। अपन बात करें साइलेज की तो साइलेज जो बनाने के लिए अपन मटेरियल यूज करते हैं, जिसमें अपन बात करेंगे कि आपका कॉर्न है ठीक है, मेज है, सोरगम है, ग्रासे हैं ठीक है, समथिंग लेग्यूम्स फॉरेज आर यूज टू मेकिंग साइलेज, यानी लेग्यूम्स जो है जनरली अपन बरसीम ले रहे हैं या फिर लूसन ले रहे हैं तो वो भी अपन प्रिपेयर करवा कर सकते हैं इससे। साथ ही अपन जो जनरली जवार है, सोरगम जिसको बोलते हैं अपन, वो अपन यूज ले सकते हैं, कॉर्न जो है मक्का है वो अपन यूज ले सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसमें अपन ने सब कुछ देख लिया, पीएच वगैरह देख लिया। अब देखिए साइलो की अगर अपन बात करें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, एक एयर टाइट कंटेनर होता है जिसमें ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो क्या होती है संभव हो पाती है। इसके बाद में अपन बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो जिसमें जो पूछा जाता है एग्जाम में लो मॉइस्चर साइलेज, देखिए साइलेज में जो पीए सॉरी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होता है 65 के लगभग। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे अगर उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना हो 40-45% हो तो उसको क्या बोलते हैं हेलेज, यानी कि ना साइलेज ना हे, दोनों का क्या हो गया बीच का हो गया। इसी प्रकार बेस्ड है मेड फ्रॉम ओट और बरसीम, तो बरसीम और ओट जो है उससे सबसे अच्छी जो है क्या बनाई जाती है आपकी हे बनाई जाती है। बेस्ड साइलेज हैविंग ये पीएच 3.724.2, इसमें क्या होता है पीएच होता है जो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्री पीजी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग
विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग 0% डीसीपी? तो राइस का जो स्ट्रा होता है उसमें 0% क्या होती है डीसीपी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब बीकानेर में आपका प्री फिजिक एग्जाम करवाया था उस टाइम पूछा गया था कि डीसीपी जो है किस में जीरो होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। राइस स्ट्रा में क्या होती है? डीसीपी जीरो होती है। इसी प्रकार अपन बात करें, कुछ ये कंपाउंड दे रखे हैं, कुछ मटेरियल्स हैं फीडिंग स्टेप्स, जो स्टेप जिनको बोलते हैं, उनमें डीसीपी और टीडीएन क्वांटिटी जो है वो होती है, वो दे रखी है। बात करें लूशन और बर्शिम में, इसमें 2.5 to 3% क्या होता है डीसीपी और 12% क्या होता है इसमें टीडीएन होता है। इसी प्रकार बात करें अपन सोरगम की, जवार जिसको बोलते हैं, 0.5 DCP होता है और 11 से 15% क्या होता है टीडीएन होता है। इसी प्रकार मेज की बात करें तो मेज में क्या होता है 1% डीसीपी होता है और 17% क्या होता है टीडीएन। ऑट की बात करें, ऑट में क्या होता है 2% डीसीपी और 17% क्या होता है टीडीएन। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है दुनिया में कि आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो। तो आपको क्या करना है कि पहली चीज़ तो ये याद करनी है कि रफेज क्या है, कंसनट्रेट क्या है, और फीड सप्लीमेंट और फीड एडिटिव्स क्या है। उसके बाद में उनका जो क्लासिफिकेशन है कि उसका एनर्जी रिच है या प्रोटीन रिच है, ड्राई है, ग्रीन है, लेग्यूम है, नॉन लेग्यूम है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें याद करनी है। उसके बाद में बात करेंगे अपन, बात की अपन ने हे और साइलेज होते हैं तो उसकी जो फीचर्स हैं, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट आपको पूछ लिया जाता है, हे में आपको गुड हे किससे बनाई जाती है, इसी प्रकार साइलेज के पीएच के बारे में आप काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।